हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बीआर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IRCTC की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करें और उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल से कोई भी ट्रेन टिकट को कैसे बुक करें। दोस्तों, यहां से आप ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट और टूरिज्म टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से IRCTC से कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल टिकट हो, जनरल टिकट हो, या फिर दोस्तों रिजर्वेशन टिकट हो, या फिर आपका तत्काल टिकट हो, और साथ ही साथ यहाँ से आप फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं ये कैसे करेंगे, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको भी ये बातें पता चल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास IRCTC की एप्लीकेशन होनी चाहिए, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाती है। तो सिंपल, आप प्ले स्टोर से IRCTC की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। मैं एक बार आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने प्ले स्टोर ओपन किया और यहां करने के बाद आपको डालना है IRCTC और उसके बाद दोस्तों आप इसे सर्च कर लें। जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास यहां पे आ जाएगा IRCTC रेल कनेक्ट, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 4.2 की रेटिंग मिली है और 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। ऑलरेडी मेरे पास ये डाउनलोड है, तो आप यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रेन टिकट, यहाँ पे बुक मेल और यहाँ पे एयर टिकट और यहाँ पे IRCTC टूरिज्म। लेकिन दोस्तों, मैं यहां बात करने वाला हूं ट्रेन टिकट बुक कैसे करेंगे। तो आपको सिंपल ट्रेन टिकट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालने को आ जाता है। ऑलरेडी मैं यहां पे यूजर नेम डाल दिया हूं, बस मुझे पासवर्ड डालना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास यूजर नेम नहीं है तो आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे रजिस्टर यूजर पे क्लिक करके यूजर नेम बना सकते हैं। और अगर आपने यूजर नेम नहीं बनाया है IRCTC पे, तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से देख करके आप अपने मोबाइल पे क्रिएट कर सकते हैं IRCTC की ID को। तो यहाँ पे मेरे पास ID है, तो मैं सिंपल यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। देखेंगे दोस्तों, लॉगिन होने में आपको ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं न्यू बुकिंग, यानी ये बुकिंग है। यहाँ पे आप फ्रॉम देख सकते हैं और यहाँ पे टू देख सकते हैं। फ्रॉम में आपका फ्रॉम स्टेशन में टाइप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आनंद विहार से मोतिहारी जाना है, तो मैं यहाँ पे ANVT डाल देता हूँ, आनंद विहार टर्मिनल। उसके बाद यहाँ पे टू स्टेशन में मैं डाल देता हूँ BMKI बापूधाम मोतिहारी। देखेंगे दोस्तों, फ्रॉम में मैंने ANVT डाल दिया, आनंद विहार टर्मिनल, और टू में डाल दिया BMKI बापूधाम मोतिहारी। यहाँ पे आपको दिखा रहा है टूडे 6 अप्रैल, यहाँ पे 7 और यहाँ पे आपको जर्निंग डेट, यानी आप 7 कल का भी बुक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप कैलेंडर पे क्लिक करके जो आप डेट को बुक करना हो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे 18 तारीख को जाना है, तो मैं 18 पर क्लिक कर दिया और उसके बाद आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। जैसे सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो 18 तारीख के डेट में कौन कौन सी ट्रेन है आपको यहाँ पे दिखा दी जाती है। संक्रांति एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर गरीब रथ, ये दो ट्रेन है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बुक करना है ट्रेन, कौन सी ट्रेन आप सिलेक्ट कर लें। मुझे मान लो कि गरीब रथ को बुक करना है, तो मैं गरीब रथ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद 3rd AC पे मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये गरीब रथ में 18 तारीख में ये सारे इतने WL है, GNWL और WL यहाँ पे देख सकते हैं सब में आ रहा है। और इसका मतलब क्या होता है GNWL और WL का, तो दोस्तों जनरल वेटिंग लिस्ट, और इस पे WLRSC और CNF पे मैं वीडियो बना रखा हूँ, उसका भी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख के समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे बुक नाउ कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक करने के लिए कैसे करेंगे। जैसे कि आपने बुक नाउ पे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपका डिटेल मिल जाता है टोटली, कि आप एक बार चेक कर लें कि आप कहां से कहां तक जा रहे हैं, ये सही आपने फिल किया है कि नहीं। तो यहां पे देखेंगे ट्रेन नंबर भी आ गया और यहां पे आनंद विहार टर्मिनल टू बापूधाम मोतिहारी, और यहां पे आ गया आपका 855, यानी कि आपका जो चार्ज लग रहा है वो 855 रुपये लग रहे हैं, तो आपको यहां पे चार्ज भी देख लेना है।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपको मिल जाता है ऐड पैसेंजर, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैसेंजर नेम डाल सकते हैं। जैसे मैं कोई भी एक डेमो के लिए डाल देता हूँ, मिस्टर खान के नाम से डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उनका एज डाल देना है, एज जैसे मैं डाल देता हूँ 24, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों आप इंडियन है तो इंडियन तो रहना ही है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट बर्थ परफॉर्मेंस, अगर आप बर्थ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपका साइड लोअर अपर लोअर क्या चाहिए तो आप सेलेक्ट कर लें। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे अपर चाहिए या फिर मैं मिडिल कर लेता हूँ, मिडिल चाहिए। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। ऐसे करके देखेंगे यहाँ पे मिस्टर खान के नाम से एक यहाँ पे यूज़र ऐड हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आपको दूसरा पैसेंजर भी यानी कि एक ही साथ 4-5 टिकट निकालने, जैसा कि आप जानते होंगे कि एक बार में 6 टिकट आप बुक कर सकते हैं, तो अगर आपके पास 6 टिकट है या फिर 2-3 जितने बुक करने हैं तो ऐड पैसेंजर पे करके आप उनका डिटेल यहाँ पे फिल करते रहेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई चाइल्ड है तो यहाँ पे देखेंगे ऐड चाइल्ड बिलो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस चाइल्ड का परफॉर्मेंस या चाइल्ड का डिटेल दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मोबाइल नंबर आ गया है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो उसी मोबाइल पे इस पे मैसेज भेज दिया जाएगा आपका टिकट बुक होने के बाद। तो दोस्तों वही मैसेज आप टीटी को दिखा सकते हैं ट्रेन में, आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रिंट करना चाहे भी तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने पैसेंजर डिटेल डाल दिया, उसके बाद बुक टिकट पे क्लिक करना है। जैसे ही बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपके पास टोटली डिटेल आ गया फिर से ओपन होकर के कि टिकट में आपका एक बंदे का है। यहाँ पे देख सकते हैं टिकट और टिकट का फी 855 रुपये है और टोटल डिटेल आ जाता है कहाँ से कहाँ तक जाना है, कितने डिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नेट अमाउंट देख लेंगे जो भी अमाउंट है। उसके बाद आपको कैप्चर डालना है, यहाँ पे जो भी इसमें कैप्चर आ रहा है उसे हम डाल देते हैं। तो देखेंगे दोस्तों हमने कैप्चर भी डाल दिया। उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पे। देखेंगे यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे हम आ गए हैं और नीचे सबसे आपको मिल जाता है कि आप कितना पे करने वाले हो और ऊपर मिल जाता है आपको 3 ऑप्शन, ई वॉलेट, यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग वगैरह और पे ऑन डिलीवर। तो दोस्तों ई वॉलेट पे मैं क्लिक करता हूँ पहले और यहाँ पे आपको मिल जाता है IRCTC की ई वॉलेट, उसके बाद मोबीक्विक, इसके बाद आपको जियो मनी, एयरटेल पेमेंट और उसके बाद पेटीएम वगैरह भी मिल जाता है। आप जिससे चाहे यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी पे क्लिक करेंगे तो पेटीएम मिल जाता है आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो आप चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे आपको करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पे ऑन डिलीवर, यानी कि आप को डिलीवर किया जाएगा तब आप पे करें, यानी टिकट आपके पास जाए तो आप उसको पे करें। तो आप इसमें से कर सकते हैं जिसे भी आप यूज करना चाहें। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपने इस पे क्लिक कर दिया, ये वॉलेट पे पेटीएम पे क्लिक किया है और पेटीएम पे क्लिक करने के बाद आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ से आप पेमेंट कर देंगे कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके और उसके बाद आपको पे पे क्लिक करेंगे। तो पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको उस जगह भेज दी जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे पेटीएम पे आ गया अपना और यहाँ से मैं चाहूँ तो पेमेंट कर दूंगा और पेमेंट करने के बाद मेरे पेमेंट क्लियर हो जाएगा और मेरा टिकट बुक हो जाएगा और वो टिकट का मैसेज मुझे इस नंबर पे मिल जाएगा और वो मैं मैसेज दिखा के मैं ट्रेवल कर सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसे करके आप नॉर्मल तरीके से आप घर बैठे अपनी मोबाइल फ़ोन से टिकट को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पता चल गया होगा IRCTC से घर बैठे अपने मोबाइल से कोई भी ई टिकटिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।